संतों का संकल्प तभी काम करता है जब सामने वाले की प्रबल श्रद्धा होगी। श्रद्धा ने तो फिर एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि जबरदस्ती किसी को महात्मा बना दिया गया। एक उदाहरण जैसे हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु जब यहां वृंदावन आए तो लता भवन में राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया, तो यहां जबरदस्ती कर लेता था नरवाहन नाम था। पहले नौकाओं से ही ज्यादातर व्यापार यात्राएं होती थी, तो वहां और वृंदावन में कोई भी आए उसका डर था। तो एक तरह से राज परिकर का पूरा सब व्यवस्था और डाकुओं की गैंग थी उसके पास, अस्त्र शस्त्र सब। जब सुना उसने कि हरिवंश चंद्र जो पधारे हुए राधा वल्लभ लाल अब दिव्य आभूषण सब श्री जी की सेवा के, और कोई कर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मांग सके, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है? तो पहले छुप करके वो जीवी लताओं के देखा, विशाल नेत्र प्रेम भरे हुए गौरांग शरीर श्री जी की सेवा में, और देखते ही उसको ऐसा लगा कि बताओ हमारा चित्त चुरा लिया है, लेने देने की तो बात जाने दो, हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जा सके। बस किनकी सेवा कर रहे? राधा वल्लभ की। कौन सेवा कर रहे? हरिवंश चंद्र राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ, बिना दीक्षा के बिना उसके शुरू कर दिया। और इतना बड़ा निष्ठ श्रद्धा, महाप्रभु ने अपनी वाणी जी में दो पद उनकी छाप के दिए हैं, 11वां और 12वां पद, नरवाहन प्रभु शुकेल बहुविध भर भरत झेल सौरत रसरूप नदी जगत पावनी, 11वें पद में, और 12वें नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नार। नरवाहन को ऐसे प्रियालाल दिखा दिए, निष्ठा श्रद्धा पूर्ण समर्पण, ये महापुरुष। कल्याण करना अलग बात है, साधु बना देना अलग बात, ध्यान रखना। कल्याण तो अपने संकल्प से घोर पापियों का कर देते हैं, लेकिन उनको साधु बना देना, इसमें उनकी श्रद्धा काम करे। बिना श्रद्धा के सिद्धांत है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता इस्मीश्वरम। जो हृदय में विराजमान है प्रभु उनका अनुभव नहीं हो सकता जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है। तो कोई भी महात्मा बिना श्रद्धा और विश्वास के किसी का परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं? जब तक श्रद्धा ही नहीं तो हमारा प्रयोग ही आप पर काम नहीं करेगा। आरत अधिकारी जब पावे तो गुढ़ तत्व साध दुरावे, जब आर्थ है अधिकारी है तो रस डाल दिया, अब वो श्रद्धा ही नहीं तो फिर नहीं बनेगी। जैसे पारस मणि का स्पर्श होने पर ही लोहा सोना बन सकता है, पर अगर बीच में रुई का पर्दा है और लोहे की डिबिया में रखी तो लोहे की रहेगी, वो सोने की नहीं बन जाएगी। पर्दा हटाओ छू जाए तो सोने की हो जाएगी। ऐसे संत के पास हो आप, संत की सेवा में हो, पर आप उनके वचन नहीं मानते, अहंकार युक्त तो श्रद्धा उस कोटि की नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। आपकी प्रबल श्रद्धा हो गई, उनका संकल्प आपको अपने समान बना देगा। पारस तो सोना बनाती, संत संत बनाते, आप सरिस चाहे सब कीना, वो अपने समान आपको बना देंगे, पर आपकी श्रद्धा उसमें विशेष कारण होगी। संतों का स्वभाव ही होता है जगत मंगल करना, लेकिन जो अश्रद्धा करते हैं उन पर भाव नहीं रखते हैं तो उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। ये श्रद्धा का विषय है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्यन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनेगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्राशयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे आदि गच्छति, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धा नहीं तो फिर काम।